संदेश खाली में ड्यूटी पर तैनात सिख आईपीएस अधिकारी को कथित तौर पर खालिस्तानी कहे जाने के खिलाफ सिख समुदाय के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को बरनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तरफ से आसनसोल में बीजेपी के जिला पार्टी ऑफिस का घेराव किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने बीजेपी के जिला पार्टी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कहे जाने पर शुभेंदु अधिकारी से पूरे सिख समुदाय से माफी मांगने की मांग की। यहां बता देना जरूरी है कि आईपीएस अधिकारी यशप्रीत सिंह को खालिस्तानी कहे जाने पर सिख समुदाय में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सिख समुदाय के लोग राज्य भर में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं सड़क अवरोध किया जा रहा है तो कहीं भाजपा नेताओं के घरों और पार्टी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने बीजेपी के जिला पार्टी ऑफिस में पहुंचकर अपना विरोध जताया। बरनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह से एक आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कहकर पूरे सिख समुदाय का अपमान किया गया है वह अत्यंत निंदाजनक है। इसके लिए शुभेंदु अधिकारी को पूरे सिख समुदाय से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वे माफी नहीं मांगते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पार्टी के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने सिखों को जो आइडेंटिटी हमारी दस्तार जो हमारे गुरु नानक देव जी महाराज ने हमारी एक पहचान बनाई थी जब सिख पंथ की स्थापना हुई थी, आज हमारी पहचान है जो उसके ऊपर में कटाक्ष करते हुए ऊपर से एक आईपीएस ऑफिसर जो वहां पर अपनी ड्यूटी कर रहा था उनको उन्होंने खालिस्तानी बोल के जो नीचा दिखाया, साथ में जो ये मैसेज है उनके मुंह से निकला हुआ ये आपत्तिजनक मैसेज पूरी सिख कम्युनिटी को उन्होंने अपनी तरफ से खालिस्तानी बोल के जो निंदा की है और हमें छोटा दिखाया है, हम इसलिए आज बीजेपी पार्टी ऑफिस में पहुंचे हैं यहाँ पर जिला पार्टी ऑफिस में कि हमारा ये मैसेज शुभेंदु अधिकारी तक जाए और वो जितनी जल्द से जल्द हो सके पूरी सिख कम्युनिटी से माफ़ी मांगे। नहीं तो इससे पहले भी मैंने आप मीडिया के मार्फत से उनके तक मैसेज पहुंचाया है कि वो नहीं अगर माफी मांगते हैं तो आज स्टेट लेवल पे आंदोलन चल रहे हैं, कल राष्ट्र लेवल पे होंगे, परसों इंटरनेशनल लेवल पे हो जाएंगे और शुभेंदु अधिकारी को अपने घुटनों पे चल के आके लास्ट में मजबूर हो जाना पड़ेगा सिखों से और उन्हें भारतवासियों से भी माफी मांगनी पड़ेगी। शुभेंदु अधिकारी हाय हाय, शुभेंदु अधिकारी मुर्दाबाद, शुभेंदु अधिकारी मुर्दाबाद, शुभेंदु अधिकारी मुर्दाबाद। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्टाइल होम फर्नीचर, फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर, बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहां मिलेगा लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में, अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।